start with the name of Allah. Assalamu alaikum. I am your maths teacher. Open your books now. We have first chapter is basic concept. क्वेश्चन है हमारे पास सर्कल द शेप रेट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न. पैटर्न को फॉलो करते वक्त जो अगली शेप बनती है उसे हमें सर्कल करनी है. नंबर वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. नाउ द नंबर सेकंड इज़ यहाँ कुछ शेप्स बनी हुई हैं उन्हें आप चाहें तो अपने मर्जी से कोई भी नंबर दे सकते हैं. ABC या फिर 1, 2, 3 या अलिबे कोई भी शेप्स को नंबर दे सकते हैं. ट्राइंगल ए रेक्टेंगल बी एंड सर्कल इज़ सी. यहाँ पर ट्राइंगल रेक्टेंगल और सर्कल दोबारा रिपीट हुई है. ABC लिख दिया मैंने. ट्राइंगल दोबारा रिपीट हुआ ए. अब ट्राइंगल के बाद कौन सी शेप हमारे पास है. ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल है तो हम यहाँ सर्कल किसे करेंगे. रेक्टेंगल को. नंबर थर्ड है यहाँ डबल स्टार है तो डबल स्टार्स को हम एक ही नंबर देंगे. हमने दोनों को दे दिया ए. हार्ट पे हमने दे दिया बी और मून पे हमने दे दिया सी. डबल ए उसके बाद हार्ट शेप है हमने बी लिख दिया. अब बी के बाद हमारे पास क्या नंबर आना है. सी यानी कि मून. तो हम किस पे सर्कल कर देंगे. मून पे. थर्ड वाला आपने खुद करना है खुद सोच के. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है हमारे पास कॉपी द फॉलोइंग पैटर्न. इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको इसी तरीके से जैसे ऊपर दिया हुआ है नीचे भी सेम रीराइट करना है जस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. इस पैटर्न को जो पैटर्न दिया हुआ है ऑलरेडी उसे कंप्लीट करना है. पहला आपके लिए किया हुआ है. सेकंड वन जो है उसे आपने खुद देखना है. अब यहाँ आपको देखना है सबसे लास्ट में हमारे पास शेप है ट्राइंगल की. ट्राइंगल के बाद कौन सी शेप यहाँ बनी हुई है हमारे पास स्क्वायर की. तो यहाँ हमारे पास कौन सी शेप आएगी स्क्वायर की. स्क्वायर के बाद दोबारा कौन सी शेप है ट्राइंगल. तो हमने यहाँ दोबारा ट्राइंगल बना दिया. थर्ड हमारे पास है ABC. ABC दोबारा रिपीट किया गया फिर ABC दोबारा रिपीट किया. यहाँ हमारे पास स्पेस छोड़ दी यानी कि ABC हमें तीनों दोबारा यहाँ पर रीराइट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक पैटर्न ऑफ योर ओन बाय यूजिंग स्क्वायर ट्राइंगल एंड सर्किल. इन तीनों शेप्स को आप मिला के कोई भी पैटर्न बना सकते हैं. एक पैटर्न बना इन्होंने बना के दिखाया है. सेकंड पैटर्न हम खुद बनाते हैं. सबसे पहले मैंने सर्किल ड्रॉ किया उसके बाद ट्राइंगल फिर स्क्वायर सर्किल. जब तीनों शेप्स कंप्लीट हो गए उसके बाद सर्किल को मैंने दोबारा रिपीट कर दिया. सर्किल के बाद ट्राइंगल को रिपीट किया उसके बाद स्क्वायर को रिपीट किया. दो बॉक्सेस हमारे पास बाकी बचे थे इसलिए मैंने दोबारा सर्किल को रिपीट कर दिया और ट्राइंगल को दोबारा रिपीट कर लिया. जितने बॉक्सेस आपके बचते हैं आप उतनी शेप्स को दोबारा रिपीट करते जाएंगे. थर्ड आप खुद अपनी मर्जी से बनाएंगे इन तीनों शेप्स को यूज़ करते हुए. नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ मैच काउंट एंड राइट द आंसर. इसमें हमें क्या करना है मैच करना है काउंट करना है और यहाँ नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमें आंसर राइट करना है. इन्होंने मैच किया हुआ है 1, 2, 3, 4. टू बोन्स हमारे पास रिमेनिंग में बच गई लेकिन यहाँ हम टू नहीं लिखेंगे. क्यों. क्योंकि उन्होंने पूछा है बोन्स वर यूज्ड. कितनी हड्डियाँ इस्तेमाल में आई वो देखनी है. 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे 4. नंबर बी इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6. जिस तरह मैंने यहाँ मैच किया है चीज़ों को इन डॉग को इस डॉग को डॉग हाउस के साथ उसी तरीके से आप भी मैच करेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा. यहाँ नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास डॉग हाउसेज वर यूज्ड. कितने डॉग हाउसेज यूज़ हुए सबके सब यूज़ हो गए. डॉग हाउसेज हम काउंट करते हैं कि कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ हम क्या राइट करेंगे 6. अब यहाँ नीचे आ जाए हैं यहाँ है इन्हें भी हमें मैच करना है 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1 हमारे पास रिमेनिंग बच गया इसका हमें कुछ भी नहीं करना. नीचे हमारे पास क्वेश्चन है कैन ऑफ फूड वर यूज्ड. कितने कैन फूड के यूज़ हुए 1, 2, 3, 4, 5. यूज्ड वो चीज़ हो रही है इसमें जो मैचिंग में आ जाए ठीक है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कितने कैन यूज हुए हमारे पास 5. नाउ 1, 2, 3. थ्री बॉल्स रिमेनिंग रह गए इसका हमें कुछ नहीं करना. मैचिंग बॉल्स हमें देखने हैं. यहाँ क्वेश्चन हमारे पास है बॉल्स वर यूज्ड. कितने बॉल्स हमारे पास यूज्ड हुए 1, 2 एंड 3. यहाँ हम क्या लिखेंगे 3. इस पूरी एक्सरसाइज से हमें दो क्वेश्चन मिले हैं जो इसका हमें आंसर राइट करना है. नंबर वन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थिंग यूज. सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज हुई. देखें हमें जिसका आंसर सबसे बड़ा है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ की गई है. यहाँ हमारे पास 4 है 6, 5 एंड 3. तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या यूज़ हुए डॉग हाउसेस. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे डॉग हाउसेस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर
ऑफ थिंग यूज, सबसे कम की चीज़ क्या यूज हुई हमारे पास, यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास सबसे कम यूज हुई, यानी कि बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बॉल्स। ओके, द नाउ नेक्स्ट पेज इज, यहाँ हमें शेप के बारे में बताना है, यहाँ शेप्स लिखनी है हमें कि ये कौन सी शेप है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है हमें दो चीज़ों को एक साथ, यानी कि इन दोनों को कंपेयर किस तरीके से करना है, टॉलर और शॉर्टर में। मैं आपको बता दूं, टॉलर का मतलब है लंबा और शॉर्टर का मतलब है छोटा। अब यहाँ देखें कि ये वाली जो शेप है ये क्या है, ये लंबी है, यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, टॉलर, और ये क्या है, शॉर्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शॉर्टर। ठीक है, ए है मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बी आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, राइट स्मॉलर एंड बिगर, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में कौन सा कंपैरिजन करना है, स्मॉलर और बिगर का। स्मॉलर का मतलब है छोटा और बिगर का मतलब है बड़ा, साइज में छोटा और बड़ा। ये जो शेप है ये साइज में क्या है, स्मॉलर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉलर, और ये शेप हमारे पास साइज में क्या है, बिगर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिगर। बी आप खुद करेंगे। नंबर थ्री लास्ट है हमारे पास इस पेज पर, राइट हैवियर एंड लाइटर, हैवियर का मतलब है भारी और लाइटर का मतलब है हल्का। ठीक है, ये चीज़ ये है हमारे पास वज़न करने वाला एक आयरन का बॉक्स, यहाँ हम लिख देंगे हैवियर क्योंकि ये लोहे से बना हुआ है, ये कागज़ है तो ये क्या है हमारे पास, लाइटर, यानी कि ये बहुत हल्का है। बी आप खुद करेंगे। इसी के साथ आज का होमवर्क हमारा होता है कंप्लीट। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, अल्लाह।